हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके मैथ्स सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आप यूज़ करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर n, वेयर a इज इक्वल टू अमाउंट, p इज इक्वल टू प्रिंसिपल, r इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड n इज इक्वल टू टाइम। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट में क्या दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रिंसिपल होता है उसमें और एक इंटरेस्ट होता है। जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था उसे अगर आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रिंसिपल में उस सिंपल इंटरेस्ट को प्लस करना होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 10,800 फॉर 3 ईयर्स 12 1/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 3 ईयर्स के लिए आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है कंपाउंडेड एनुअली। देखिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। प्रिंसिपल इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे, a इज इक्वल टू पी 1 + r/100। आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था, 10,800 वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था 12 1/2। तो 12 1/2 को आप अगर मिक्स फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन से अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 25/2 × 100 और टाइम पीरियड कितना दिया हुआ था इस केस में, 3 ईयर्स। तो ये आपका बन गया प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ था 12 1/2%। तो 12 1/2% को आप अगर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 25/2 + 1 = 25/2%। तो आपको यहाँ इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली, तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ रहेगा, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। आप देखिए 25 × 400 हो गया। इसी तरह से देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अगला स्टेप मैं इसका लिख रहा हूँ, अगला स्टेप हो जाएगा a इज इक्वल टू 10,800 तो आप जानते हैं शुरू में था ही, और वो जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा था उसको सॉल्व करके आएगा 1 + 1/2 × 4 यानी कि 8, और ईयर्स कितने थे, 3। तो 10,800 इंटू ये हो जाएगा 1 + 1/8, ये वाला पोर्शन सॉल्व करके हो जाएगा 9/8 × 3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 10,800 × 9/8 × 9/8 × 9/8 तीन बार आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स या ईयर्स 3 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्व करके आएगा 15377.34। ये आपका आंसर आ जाएगा 0.34। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो क्या करेंगे इंटरेस्ट कितनी, इंटरेस्ट निकालने के लिए ये आपका आ गया अमाउंट। अमाउंट में से इस प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। जैसे कि हमारे पास टोटल अमाउंट अभी आया था 15,000, देखिए मैं दोबारा से लिख रहा हूँ 15,377.34, और आपके पास प्रिंसिपल कितना था, 10,800 रुपये। ठीक है, तो अब अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 4577.34। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 18,000
for 2.5 years at 10% per annum compounded annually. The same question है, principal 18,000 ले लेंगे आप, years 2.5 को solve करके आप कर लेंगे 5/2 and 10% per annum compounded annually है. तो बिल्कुल same आपका ये first A part की तरह ही है, इसे आप खुद करके देखेंगे. ठीक है, अब मैं आपको करा रहा हूँ सी पार्ट. 62,500 इसमें प्रिंसिपल है, टाइम 1.5 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. अब ये जो पॉइंट आया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ. कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है, ज़्यादातर होता है कंपाउंडेड एनुअली. एनुअली का मतलब है कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है आपका वो पूरा एनुअली ही काउंट होगा. लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एनुअली रहेगा, लेकिन वो जो है 6 महीने को एक साल की तरह काउंट करेंगे, 6 मंथ को 1 ईयर की तरह काउंट करेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो जाएगा हाफ. जैसे 8% पर एनम दिया है ना इस केस में, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा. और जो नंबर ऑफ ईयर्स है, अब देखिए 1.5 ईयर दिया है, 1.5 ईयर का मतलब है 12 + 6 18 मंथ में, मतलब 6 मंथ को हम एक ईयर की तरह काउंट करेंगे, तो कितना टाइम पीरियड डबल हो जाएगा. डबल का मतलब 1.5 का है 3, 1.5 18 मंथ का मतलब 6 मंथ का एक ईयर मानेंगे, तो 6 6 6 3 ईयर्स. तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा और टाइम पीरियड डबल हो जाएगा. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. जैसा कि मैंने अभी किया था क्वेश्चन, उसी पैटर्न पे ये भी सॉल्व होगा. देखिए लिखते हैं पहले A इज इक्वल टू प्रिंसिपल, आपको इसमें दिया हुआ था 62,500 वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन ने दिया हुआ था 8%, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो कितना करेंगे हम 4, उसको हाफ कर देंगे. और टाइम पीरियड दिया हुआ है 1.5 साल, 1.5 साल का मतलब 18 मंथ, 18 मंथ में 6 6 6 के 3 पेयर बनते हैं, तो हम टाइम पीरियड को डबल कर देंगे, या 1.5 × 2 भी कर सकते हैं आप, तो वही चीज़ आ जाएगी 3/2 × 2 यानी कि 3. इसको आप 3 लिख लीजिए यहाँ पर, यह आपका आ जाएगा 3, टाइम पीरियड यहाँ पर 3 हो जाएगा. ठीक है, ये 3 है, आप इसको समझ लेंगे अच्छे से. अब नेक्स्ट स्टेप, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 25 आ जाएगा यहाँ पर, 25 तो 62,500 इंटू 25, और इसको आप सॉल्व करेंगे 1 + 1/25 को, तो ये आ जाएगा 26/25 और इसकी पावर 3. ठीक है, 26/25³, ये आपके पास आ गया. अब अगला स्टेप देखिए, मैं अगला स्टेप ये, इसको यहाँ तक आप समझ गए हैं. ठीक है, अगले स्टेप पर चलते हैं. देखिए अगला स्टेप क्या बनेगा, A इज इक्वल टू 62,500, आपके पास आया था 26/25³. ठीक है, इसका मतलब है 26/25 × 26/25 × 26/25 3 times. इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो सारा सॉल्व करके आ जाएगा ये 70,304. तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देंगे और टाइम पीरियड को डबल कर देंगे. जहाँ भी ये लिखा हो कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो आप बस ध्यान रखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ कर देंगे और टाइम पीरियड डबल हो जाएगा. अब अगर आप ये अमाउंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, मैंने आपको पहले बताया था अमाउंट के अंदर दो चीज़ें क्या क्या होती हैं, एक तो प्रिंसिपल होता है और एक इंटरेस्ट होता है. अगर आप इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं इसमें से, तो आप क्या करेंगे, 70,300 में से 70,304 में से क्या माइनस करेंगे आप, 62,500 को आप माइनस करेंगे, तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा 7804. कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, 7804.
ठीक है, क्लियर हो गए सारे स्टेप इसके। एक बार से मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। कंपाउंडेड एनुअली में फॉर्मूला यही लगेगा, ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड टू दी पावर एन, और रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड जितना दिया होगा उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहा गया है तो क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा और टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, यानी सिक्स मंथ को हम वन ईयर के तरह कंसिडर करते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको 18 महीने का टाइम दिया है या वन एंड हाफ ईयर दिया है, तो 18 मंथ में तीन सिक्स पीरियड माने जाएंगे, थ्री सिक्स सिक्स सिक्स, इस तरह से उसमें टाइम पीरियड थ्री हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपका ले रहा हूँ। अगला क्वेश्चन डी पार्ट है। रुपीज 8000 वन ईयर एट द रेट ऑफ 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में है। इसमें आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है यू कुड यूज़ द ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला टू वेरीफाई। इसे आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड लगा लीजिए, या इसमें पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए सिक्स मंथ का, फिर सिंपल इंटरेस्ट के बाद इस तरह से। कोई और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, सेकंड क्वेश्चन हम इसी तरह से करेंगे, इसलिए मैं आपको इसके लिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, आप इसे खुद करके देखेंगे। बाकी पूरी आपको जो भी मैंने सी पार्ट कराया ना कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सेम वैसे ही होगा। ये करना क्या है दोबारा से एक बार बता देता हूँ। ए इज इक्वल टू पी, पी की जगह रखेंगे वो 8000, वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड, आर हो जाएगा 4.5, 9% का हाफ हो जाएगा, और वन ईयर है, वन ईयर में सिक्स मंथ के कितने पेयर होते हैं, दो पेयर, तो टाइम पीरियड हो जाएगा टू, ठीक है, तो वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड टू दी पावर एन, आर रहेगा 4.5 और एन रहेगा 2, बस इतना ध्यान रखना है। इससे आप अपने आप कर सकते हैं, बिल्कुल पार्ट सी जो मैंने भी कराया है बिल्कुल वैसे ही होगा। ई पार्ट भी सेम इसी तरह से कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसमें भी 8% का हो जाएगा 4% और वन ईयर का हो जाएगा 2, यानी कि ए इज इक्वल टू पी, इसमें आप क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू पी 10,000 इंटू वन प्लस आर रहेगा 4% अपॉन 100, और वन ईयर है तो उसके अंदर सिक्स मंथ के दो पेयर बनते हैं तो 2 आ जाएगा। बस इसे आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। अब आपको मैं क्वेश्चन सेकंड करा देता हूँ। देखिए कमला बोरोड रुपीज़ 26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाय ए स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एन, 15% पर एन नंबर कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया, ठीक है, व्हाट अमाउंट विल शी पे आफ्टर द एंड ऑफ 2 ईयर्स एंड 4 मंथ टू क्लियर द लोन। तो 2 ईयर्स के लिए तो बिल्कुल क्लियर है, प्रॉब्लम आएगी 4 मंथ के लिए। कंपाउंडेड एनुअली है तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। कंपाउंडेड एनुअली के केस में पहले हम 2 ईयर्स का कंप्लीट कर लेते हैं, तो वही रहेगा जैसा हम करते आ रहे हैं अभी तक, 26,400, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, 1 प्लस, ठीक है, आर अपॉन 100 टू दी पावर एन, एन कितना होगा इसमें 2 ईयर्स, पहले कंप्लीट ईयर्स यहाँ पे 2 दिए हैं तो पहले आप 2 के लिए सॉल्व कर लेंगे, 4 मंथ को बाद में कैलकुलेट करेंगे, कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो 2 ईयर के लिए कंप्लीट कर लेंगे इसको, तो फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ट्वेंटी सिक्स फोर हंड्रेड इंटू ये पूरा सॉल्व करके आ जाएगा 23 अपॉन 20, लेकिन ये 2 बार है तो 23 अपॉन 23 हो जाएगा, 23 अपॉन 20 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आगे क्या आएगा। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू, जब आप इस स्टेप को सॉल्व करेंगे, एक बार मैं लिख देता हूँ 26,400 इंटू यह है था आपका 23 अपॉन 20, ये सॉल्व करके आ जाएगा 34, 34914,
34914। ये अगर 2 साल बाद उसको ये पेमेंट ये लौटाना पड़ता तो इतना पैसा उसने लौटाना था, 26,400 रुपये लिए थे, 34,914 रुपये वापस करने थे, लेकिन 4 मंथ और हैं जो कि लोन क्लियर करने में टोटल टाइम लग रहा है 2 ईयर्स 4 मंथ। अगर ये लोन 2 साल में क्लियर हो जाता तो इतना अमाउंट वापस करना होता, लेकिन अभी 4 मंथ और हैं। 4 मंथ को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, वो भी कर देते हैं। उसके लिए हम सिंपल इंटरेस्ट ले लेंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के बाद जो अमाउंट हो जाएगा वो जो अभी हमारा आंसर आया वो ही रहेगा 34914 इंटू। अब देखिए 4 मंथ है, मंथ को हमें पहले चेंज करना पड़ेगा ईयर में। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ होता है, यानी कि ईयर बड़ी यूनिट हो गई और मंथ छोटी यूनिट हो गई। और आपको पता होगा या मैंने भी बताया होगा कि अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। हमें 4 मंथ को ईयर में चेंज करना है क्योंकि हम ये क्वेश्चन सॉल्व ईयर में ही करेंगे। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ हो गया, तो 4 मंथ के हो जाएंगे 4/12 ईयर्स। कितना हो जाएगा 4/12 ईयर्स, और नीचे 100 तो आता ही आता है। तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया रेट, ठीक है, ये हो गया 100, और अभी नहीं, ये हो गया टाइम और रेट आ गया यहाँ पर रेट, क्योंकि इस क्वेश्चन में 15% आप देख रहे हैं ना। दोबारा से समझिए इसको, मैं एक बार समझा देता हूँ। ये लोन 26,400 रुपये का लोन लिया गया, ठीक है, 2 साल बाद अमाउंट ये बन के आ गया। अगर 2 साल में ही लोन पे कर दिया होता तो 34,194 रुपये 34,194 पे करना होता।